नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आयुर्वेदा ATM में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसे रेमेडी लेकर आया हूं जिसकी सहायता से आप अपने वर्षों पुरानी बवासीर को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों बवासीर एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है। दोस्तों आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं, कम से कम 70% ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बवासीर की बीमारी से ग्रस्त है। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक ऐसे नुस्खा बताऊंगा जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अपने बवासीर को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बगल में आए बेल घंटे को भी दबा दें ताकि मेरी कोई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रेमेडी। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है दोस्तों करेले की। दोस्तों ये करेले सब्जी बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। दोस्तों इस करेले में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि हमारे बवासीर को ठीक करने में बहुत ही सहायता करते हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे यूज करना है इस करेले की जूस को। दोस्तों आप क्या करेंगे कि आप इस करेले को मिक्सी ग्राइंडर की सहायता से इसकी जूस तैयार कर लेंगे। दोस्तों जूस जब आप तैयार कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही जूस दिखेगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ही जूस बना के तैयार किया हुआ है। दोस्तों इस करेले का जूस का फायदा है कि अगर आपके पेट में कोई एसिडिटी बन रहा है तो ये बहुत ही आसानी से दूर करेगा। दोस्तों करेले के जूस में बहुत से ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो कि हमारे घाव या बवासीर जैसी गंभीर समस्या को बहुत ही आसानी से दूर करता है। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस करेले के जूस में अपने स्वाद अनुसार यहाँ पे इसमें मिला लेते हैं चीनी। दोस्तों मैं यहाँ पे 2 चम्मच की मात्रा में मिला लेता हूँ चीनी। दोस्तों इसके बाद से हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अगर आपको करेले का जूस कड़वा लगे तो आप अपनी स्वाद अनुसार इसमें चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। हमें इसको बहुत ही अच्छी तरह से चीनी और करेले के जूस को आपस में मिला लेना है। दोस्तों इस नुस्खे को तैयार करने के बाद से कम 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि आपस में बहुत ही अच्छी तरह से ये सारा इन्ग्रीडियंट आपस में मिल जाए। दोस्तों अब हम जान लेते हैं प्रयोग करने की विधि। दोस्तों हमें सुबह इसको खाली पेट पीना है। दोस्तों आप जैसे ही पहले दिन इसको पियेंगे तो आपके बवासीर से जो ब्लड निकल रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको एक डोज में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो आप इसको लगातार कम से कम 3 से 4 दिन तक इस्तेमाल करें। इस नुस्खे का प्रयोग सुबह और शाम दोनों कर सकते हैं। आपको जरूर बवासीर से छुटकारा और राहत दोनों मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।